हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल। अज उठ गए हैं ते उठ के ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। ते अज हैगा थर्सडे ते मैं बनाए टोस्ट विच पैटी ला के ते नाल असी वीरा हुणी बना रहे हैं चाह। ते चाह रेडी साडी हो रही है ते ब्रेकफास्ट करके थोड़ा जिहा ते साडा प्लान हैगा अज गुरु घर मत्था टेकीए। कुछ लाइफ च प्रॉब्लम चल रही हैं ता वाहगुरु जी के बाबा जी के दर्शन करने बहुत जरूरी आ। वैसे भी करने चाहिए आ बट अज सोचा असं शुरू तो सोच रहे थे कि अज जाने तो दर्शन बाबा जी के करते हैं। तो अज असी जावे सिडनी रिवर्स भी गुरद्वारा नाले वीरा भी आया अमृतसर तो तुम पता है। तो वीरा भी काफ़ी दिनों तो कह रहा है कि आस्ट्रेलिया के गुरुद्वारे गुरु घर मत्था टेकीए दर्शन दे, होम देने टाइम काफ़ी हो गया। सिडनी च भी काफी गुरुद्वारा साहब है गया। हाँ जी। ते अपा सारे गुरुद्वारा साहब जाके दर्शन करांगे। हाँ जी। ते आज यार पता कि सवेरे उठे आपां आज कुछ करन दा मूड भी नहीं हैगा ही क्योंकि तुहानू पता ही है यार। ते तां करके आज आपां सोचा कि चलो गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के आउने आं थोड़ा जिहा आराम ईजी रहिंदे आ आस्ट्रेलिया आए आ गुरु घर जा ही नहीं होया। हाँ जी भाई दौड़ मैं रिलैक्स करते हैं माइंड नूं यार बहुत बहुत कुछ चल रहा है दिमाग दे विच। हाँ जी बड़ियां प्रॉब्लम्स चल रही ने पर हुण अरदास करदे हैं कि वाहिगुरु सब कुछ ठीक करे है ना। हुण अरदास करके सब कुछ ठीक होना वा। हाँ जी अरदास करदे हैं गुरु घर जाके। एक कहिंदा गुरुद्वारे जाके भी सुकून मिलता है बंदे नूं। असीं रिवर्स भी गुरुद्वारे जा रहे हैं ते तुहानूं रिवर्स भी गुरुद्वारे दे भी दर्शन करावांगे। साडे तो गुरुद्वारा हैगा अराउंड 20-25 मिनट की ड्राइव है इतों क्योंकि असी बीच साइड रहने तो उस असी नज़दीक वाले गुरुद्वारे पहला जावे तो हौली हौली तुहानू दूसरे गुरुद्वारे भी दिखावे वधिया उधर भी दर्शन करांगे जाके गुरु घर। तो पहला आप वीरे हुणी चाह बना रहे हैं तो वीरे चाह पी के थोड़ी अपन नींद भी खोली है ना। तो फिर उठते हैं अज सिर्फ चाह ही पीती एक कप। हाँ जी रेडी शेडी होंगे नहाते धोदे थोड़ा टाइम हो गया। हाँ जी अभी कुछ दिन भी नहीं तुम दस यार अज मूड पता नहीं यार निकल चुके इथों ते गड्डी पिक कर रहे हैं थले आ गए ते हुण आपां सीधा जा रहे हैं रिवर्स भी गुरुद्वारा। हाँ जी गाइस हुण आपां गुरु घर पहुँच गए हैं गड्डी इत्थे पार्क कर दिती ते हुण आपां जाने अंदर। ते इह हैगा रिवर्स भी गुरुद्वारा। ते नॉर्मली अज संगत थोड़ी घट आ पार्किंग तो एक पता लगता बट ये संगत घट तां है क्योंकि पंजाबियों की रूटीन अपनी कहिंदी मंडे टू फ्राइडे तो मंडे टू सैटरडे सारे बिजी हुंदे आ ते सैटरडे नाइट काफ़ी संगत आउंदी आ दर्शन करन बाबा जी दे। वैसे इदा बट सैटरडे मैं पग बन के आऊंगा जरूर पग बन के। हाँ जी चलो ठीक चलो गुरु घर आते ही थोड़ा जहा इतने असं घट छूट करांगे अंदर। सैल्फ सर्विस है क्योंकि हुण ज़्यादा संगत नहीं हैगी अज क्योंकि शनिवार ते मंगलवार रिवर्स भी ज़्यादा संगत आउंदी है ते हुण असीं लंगर छकदे हां। उदां वैसे नो सैल्फ सर्विस लिखिया बट हुण संगत है नहीं करके ते आपां सैल्फ सर्विस अपनी आप ही कर लैने क्योंकि बाबा जी हुणी भी अंदर सेवा कर रहे हैं ते हुण संगत ज़्यादा है भी नहीं। हाँ जी ते हुण आपां अपना पा लैने आ लंगर दे विच छोले बंदे नूं लंगर छकण दा मौका मिले ते ओह बंदा भागा वाला हुंदा। मैं खुद कह रहा कि मैं सोचा नहीं कि आस्ट्रेलिया दे आके गुरुद्वारा साहिब च लंगर छकांगे सेवा करांगे दर्शन करांगे। हाँ जी मैं तो अपने आप नूं बहुत भागा वाला समझदा। असीं थले ही लंगर छकण लगे सी बट उन्होंने कि छोटी जी कुड़ी आ बहुत ही उसने फटाफट ही साडे लई टाट रछा दिता। हुण आपां जी चाह दा लंगर छक रहे हां। बहुत आनंद है। हाँ जी इन्नी बहुत है तुसीं वी पा लो। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ
सिडनी का दूजा गुरद्वारा आ, सब तो पहला गुरद्वारा सिडनी के जो बनया 1969 बनया नाम है अपना ग्लेनवुड है, वह 1969 बनया। तो गुरद्वारा 1978 ओपन होया, तो 2 साल यदि पैसे इन्होंने इकट्ठे किए, लाइक 35-40 हज़ार डॉलर इस गुरद्वारे को खर्चा आया सी बनाने के टाइम, तो 35-40 हज़ार डॉलर उस टाइम बहुत ही वड्डी अमाउंट होंगी सी। बहुत ही वधिया लग्या गुरु घर आके, जिसे तुसीं दसो काफ़ी वधिया लग्या यार। हाँ, सानू 2 घंटे हो गए गुरु घर आया, पर वधिया लग्या कि इत्थे गुरु घर सेवा की, लंगर छकिया, दर्शन किए। हाँ जी, तो इत्थे काफ़ी सानू पंजाबी भी मिले जिहड़े डेली होंगे सेवा करन वास्ते। हाँ जी, बहुत वधिया वधिया लगा। इत्थे सारा समान पिया आ, तो कुकिंग वगैरह सारी इत्थे हुंदी आ, जिहदा भी मन करदा तुसीं आ के जी सद के अनलिमिटेड सेवा कर सकते हो। जिन्ना जिन्ना तुहाडे कोल टाइम आ, तुसीं उन्नी सेवा करो साढ़े तो, जिन्ना टाइम से साढ़े तो असीं सेवा की रज के। वह स्टोर रूम आ, तो वह कूल रूम आ, सारा समान इत्थे हुंदा आ। जदों भी कोई भी इत्थे कुछ चढ़ाउंदा आ, आटा दाल कुछ भी राशन पानी, तो उस सीधा स्टोर रूम के रख दिता जाता। तो उन्होंने ऑलरेडी कहा कि किचन की सफाई रखो जी। ये गुरद्वारा चर्च के बनाया गया, चर्च दे जी लगी सी लिस्ट की सी प्राइस 35,000 डॉलर की, अराउंड 15-16 लाख रुपीज के, इंडियन रुपीज के अराउंड। तो उदो इनू कोई लै नहीं सी रहा, तो इन्होंने फिर उस चीज़ को करके लिस्ट किया। तो इन्हों की जो डील हुई तो 1,10,000 डॉलर से इन्होंने डील डन की। तो चरणजीत सिंह सिगे जेडे इन्हों इत चेयरमैन प्रेजिडेंट आ, गुरुद्वारा बनाने के काफ़ी खर्चा आया कहें, तो हौली हौली ये सिटी के कोल गुरद्वारा है, इस करके इतने पार्किंग प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सी। हौली हौली इतने इन्होंने पार्किंग लई होर लैंड लई नाल, तो जिदा तुसीं देख सकते हैं, तो आ पार्किंग बनाई, इस तो अगे जाके पार्किंग भी आ, तो पार्किंग इशू इतने हले भी चलते, हौली हौली ये पार्किंग नूं वधा रहे आ। तो देखो जी, ये गुरद्वारा जिदा चर्च के बनया, तो चर्च भी गुरु का घर आ, तो अपना गुरद्वारा साहब भी गुरु का घर, बिकॉज गोरियां के कल्चर में भी कहा जाता कि गॉड इज़ वन, सो अपने घर कहते अकाल पुरख एक है। जिहड़ियां पार्किंग प्रॉब्लम्स इत्थे ऑलरेडी आ रही सी, वह काफ़ी सिडनी वाले तो जानते ही होने कि रैवल स्वीट गुरुद्वारे में पार्किंग बहुत होंगी है, जो बिजी हो जाता। ईवन जो मैं भी हर सैटरडे इतने आता रहा, जो कदे कदे नहीं आया, बट उस साइड से मैनू तो बहुत तंगी आती होंगी सी, मैं बाहर पार्किंग लाना, बट हौली हौली ये पार्किंग इशू भी हो रहा खत्म। अज तो जो संगत नहीं हैगी, पर वीकेंड तो बहुत ज़्यादा संगत हो जाती है। पार्किंग का सीरियसली काफ़ी इशू, काफ़ी छोटी पार्किंग आ। हाँ, देखो हुण जिवें जिवें हुण अगे अगे ये करते गवर्नमेंट नूं पिच, सो उस हिसाब नाल फिर अगे शहर इत्थे बिल्डिंग बन जाए, नाल ही पार्किंग की बिल्डिंग बन जाए, ताकि जिहड़ी संगत आउंदी आ उन्हां नूं दिक्कत ना हो पार्किंग की। क्योंकि तुसीं वेख लो कि वीकेंड ते वी आपां आवांगे दर्शन करन वास्ते, ते उदों पार्किंग फुल हुंदी आ, गड्डी लगण दी जगह नहीं हुंदी, इसे बहाने कई जणे मत्था वी नहीं टेकण आउंदे वीकेंड ते, पार्किंग दा इशू हुंदा, गड्डी कित्थे पार्क करांगे। हाँ जी, सो ये भी दिक्कतां हुंदियां, काफ़ी दिक्कतां हैगियां ने, हौली हौली कर रहे सो हौली हौली सब कुछ सारा हौली 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 हुंदा। 1976 दा गुरद्वारा साहिब बणिया ना पंजाबियों ने, उस वेले देख लो कितने डिमांड की, चलो आपां गुरद्वारा साहिब बणाउंदे आ, अपना रब का घर बना, चलो रब उस वे देखो 50,000 to 1,00,000 डॉलर के अराउंड इनकम बहुत वड्डी होंदी सी, हुण दे 1-2 मिलियन के डॉलर के बराबर मनिया जाता। बट स्टिल पंजाबियों के सल्यूट आ अपने पंजाबियों ने, जिहड़े हिम्मत करके इदा योगदान देंदे आ, ते अपने गुरद्वारे बनाउंदे आ। हर एक कंट्री दे विच गुरद्वारा बन रहा आ, ते मैं उन्होंने दिलों उन्हों का धन्नवाद ते शुकराना करदा आ। ते एक मैं गल होर कहना चाहुंदा कि बाहरले अपनी जनरेशन दे अगे न्याणे इत्थे दे बॉर्न हो रहे आ, लड़का लड़की कोई भी, तो उन्होंने पंजाबी कई तो घर दे सिखा देंगे, कई घर उन्होंने हार्ड हों, अपनी लाइफ बिजी होंगे, ज कुछ लोग हैबिट बन गई होंगी है इंग्लिश गल कर, आई थिंक पंजाबी भी आपां अपने न्याणों बाहर सिखानी चाहिए है। ये मैं दिलों कहना चाहना है, क्योंकि काफ़ी सारे नहीं आप कहने, बट काफ़ी कई इदा के किड्स है इतने जिन्हों पंजाबी बोलनी नहीं आती, पंजाबी हौली हौली है, तो उन्होंने इन गुरद्वारों के जे तुम गुरद्वारे के अराउंड रहने तो काफ़ी एक बेनीफिट मिलता। तो इतने गुरद्वारों के पंजाबी स्कूल बनया, तो कोई भी फीस नहीं हैगी, वो फीस नहीं लिया, तो वो सिर्फ एक एडमिशन है, 5-6 साल तो आई थिंक स्टार्टिंग होंगी है, तो गुरद्वारे की जिदा दी
रिक्वायरमेंट होगी तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब ना तुसी अपने न्याणियों इत्थे एडमिशन दवा सकते हैं ते ताकि वो पंजाबी फ्लूएंट पंजाबी सीख सकन ते वो बहुत ही फायदा होगा। तो यह चीज़ मैं भी दिलों जरूर कहूँगा किसी का भी ये चीज़ मेरे बहुत वधिया ना वधिया होगी। हाँ कई बच्चों पंजाबी नहीं आती है ना। हाँ जी फिर भी चलो हर वैसे तो हूँ भी हर गुरुद्वारा साहब के पंजाबी सिखाते हैं क्लास लगती है एक तो बड़ी वधिया गल है जिहड़े पंजाबी रहिंदे आ इतने अपने बच्चों या पंजाबी तो चलो ये कि बोलनी तो चलो ये कि पर समझ नहीं तो उन्होंने हूँ जी चलो वैसे आप फैमिली रहने थोड़ा बहुत होंगे वा पर यह कि उन्होंने एक्सेंट एक बन जाता कि इंग्लिश बोलनी हर जगह डिफरेंट हो जाता कि पता लग जाता कि यार पंजाबी घट आती है सो पंजाबी तो सिखानी बनती है यार पंजाबी बोली वर्गी कोई बोलनी पंजाबी अपनी माँ बोली है जे आप ही भुल गए तो सब कुछ भुल गए समझो।